पढ़े क्या लैरिंग्स, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका बेटा ट्रेकिया, है ना। तो ये होता है ट्रेकिया, तो यही होता है बेटा लैरिंग्स, दिस इज कॉल्ड एज द लैरिंग्स। इसके पहले हम लोग लैरिंग्स पढ़े, यही होता है एपिग्लॉटिस। क्या होता है एपिग्लॉटिस? एपिग्लॉटिस एक कार्टिलेज का बना होता है। किस कार्टिलेज का? यह इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। यह ट्रेकिया का फर्स्ट पार्ट है जिसको लैरिंग्स कहते हैं, है ना। और ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक का जो भाग दिख रहा है इसी को कहते हैं बेटा ट्रेकिया। क्या कहते हैं? ट्रेकिया। रेस्पिरेटरी ट्रैक का फर्स्ट पार्ट क्या कहलाता है? ट्रेकिया, है ना। तो ट्रेकिया यह कैसा होता है? यह हॉलो, ह्यूमन में ट्रेकिया हॉलो सिलेंड्रिकल, है ना, लगभग 12 से 13 सेंटीमीटर लंबा स्ट्रक्चर होता है, है ना। तो हमारा ट्रेकिया नेक से एराइज होता है, कहां से? नेक से एराइज होता है और थोरैसिक कैविटी में एंटर करता है। तो ये कहां से एराइज होता है? नेक से एराइज होगा और थोरैसिक कैविटी में एंटर करेगा, है ना। तो बेटा ये जो ट्रेकिया, ह्यूमन का जो ट्रेकिया होता है ये नॉन कोलैप्सिबल होता है। कैसा होगा? नॉन कोलैप्सिबल, है ना। क्यों नॉन कोलैप्सिबल होता है? क्योंकि ट्रेकिया के ऊपर छोटे छोटे कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं, है ना। यह रिंग इनकम्प्लीट होता है। कैसा होगा? इनकम्प्लीट। और किसका बना होगा? यह हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है। तो यह ट्रेकिया को सपोर्ट करता है जिस कारण से ट्रेकिया कोलैप्स नहीं कर पाता है। तो यह रिंग ट्रेकिया के अलावा ब्रोंकाई में भी होता है। कहां होता है? ब्रोंकाई, है ना। तो बेटा ट्रेकिया जो होता है ना, थोरैसिक वर्टी, जहां पे पांचवा थोरैसिक वर्टिब्री होता है, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री होता है, वहीं पे दो भाग में यह डिवाइड करता है। तो ट्रेकिया डिवाइडेड ना इन टू पार्ट एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री। तो ट्रेकिया दो भाग में डिवाइड होता है जिसको कहते हैं ब्रोंकाई। क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। तो ये ब्रोंकाई है, दूसरा यह, है ना। तो राइट ब्रोंकाई, लेफ्ट ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई या राइट ब्रोंकाई राइट लंग्स में एंटर करेगा और लेफ्ट ब्रोंकाई लेफ्ट लंग्स में, है ना। तो बेटा ब्रोंकाई भी फर्दर फिर से डिवाइड करता है, तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकियोस। क्या कहते हैं? प्राइमरी ब्रोंकियोस। और प्राइमरी ब्रोंकियोस फर्दर फिर डिवाइड करेगा तो क्या बनेगा? सेकेंडरी ब्रोंकियोस, है ना। और सेकेंडरी ब्रोंकियोस फर्दर फिर से डिवाइड करेगा तो क्या बनेगा? टर्शियरी ब्रोंकियोस। और टर्शियरी ब्रोंकियोस किसमें टर्मिनेट होता है? यह एल्वियोलर डक्ट में ओपन होता है। किसमें? एल्वियोलर डक्ट में। और एल्वियोलर डक्ट किसमें ओपन होता है? एल्वियोलाई में। किसमें ओपन होता है? एल्वियोलाई, यही होता है एल्वियोलाई। बात क्लियर ना? टेक, ये तो रहा बेटा पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक, है ना। तो यहां से लेकर के यहां तक का जो पार्ट है इसी को कंडक्टिंग पार्ट कहते हैं, जहां पर एयर का कंडीशनिंग और फिल्ट्रेशन होता है। और यहां से लेकर के यहां तक का जो पार्ट है इसको हम कहते हैं क्या? रेस्पिरेटरी पार्ट। और यहां यहां पे गैसियस एक्सचेंज होता है। ये पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक है। बात क्लियर ना? तो आपने देखा ट्रेकिया दो पार्ट में डिवाइड है, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड हुआ प्राइमरी से ब्रोंकियोस, प्राइमरी ब्रोंकियोस फर्दर डिवाइड हुआ सेकेंडरी ब्रोंकियोस, सेकेंडरी ब्रोंकियोस डिवाइड हुआ तो टर्शियरी ब्रोंकियोस, और टर्शियरी ब्रोंकियोस किसमें? एल्वियोलर डक्ट में चेंज हुआ, और एल्वियोलर डक्ट किसमें ओपन हुआ? एल्वियोलाई, है ना। तो इस एल्वियोलाई की अगर हम बात करें बेटा तो लंग्स में इसकी संख्या 300 मिलियन होती है। कितनी होती है? 300 मिलियन। तो एल्वियोलाई का सरफेस एरिया अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा? 70 स्क्वायर मीटर, है ना। यही वह जगह है जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। दिस इज द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। तो बेटा अगर एल्वियोलाई के वाल की बात करें तो एल्वियोलाई के वाल में तीन लेयर होते हैं। सर कितने लेयर होते हैं? तीन लेयर। तो आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर। तो इसका आउटर लेयर जो होगा वह सिंपल और सिंपल स्क्वमस एपिथेलियल का बना होगा। आउटर लेयर में कौन सा एपिथेलियल टिश्यू होगा? सिंपल स्क्वमस एपिथेलियल टिश्यू। और इसका जो मिडिल लेयर होता है उसमें सेप्टल सेल होता है। क्या होता है? सेप्टल सेल। सेप्टल सेल। और इसका जो इनर लेयर होगा उसमें क्या होगा? डस्ट सेल। क्या होगा? डस्ट सेल। बेटा इसका जो सेप्टल सेल होता है, सेप्टल सेल क्या करता है? यह लेसिथीन का सेक्रेशन करता है। किसका? लेसिथीन। और लेसिथीन यह फॉस्फोलिपिड्स का बना होगा। इसका बना होगा फॉस्फोलिपिड्स। बेटा लेसिथीन यह सर्फैक्टेंट का काम करता है। किसका? सर्फैक्टेंट। और सर्फैक्टेंट किसे कहते हैं?
तो सिंपल सी बात है, आप कह सकते हैं इट इज द सरफेस एक्टिव एजेंट, है ना। तो सरफेस एक्टिव एजेंट इज कॉल्ड एज द सर्फेक्टेंट, है ना। तो लेसिटिन क्या है, एक सर्फेक्टेंट है, बात क्लियर ना। ठीक, तो सर्फेक्टेंट ये सरफेस टेंशन को कम करता है, क्या करेगा, सरफेस टेंशन को कम करता है। और इसके इनर लेयर में डस्ट सेल होता है, और डस्ट सेल क्या होगा, फैगोसाइटिक होता है। क्या होता है, फैगोसाइटिक, मतलब ये फैगोसाइटोसिस करता है। तो जैसे एयर के माध्यम से अगर कोई बैक्टीरिया ना वायरस आया है, मान लो कोई बैक्टीरिया आया है, तो इस ट्रेकिया में इंट्रैक्ट कर लिया जाएगा। वह बैक्टीरिया ना यहाँ पे अगर नहीं इंट्रैक्ट हुआ, तो यहाँ पे नहीं इंट्रैक्ट हुआ, यहाँ पे नहीं इंट्रैक्ट हुआ, यहाँ नहीं हुआ, एल्वोलर डक्ट में नहीं हुआ, पहुंच गया कहाँ पे बैक्टीरिया, एल्वोलाई में। तो इस बैक्टीरिया को कौन खा जाएगा, यह एल्वोलाई की इनर लेयर में पाया जाने वाला डस्ट सेल उसको खा जाएगा, क्योंकि यह डस्ट सेल क्या होगा, फैगोसाइटिक के नेचर से है, बात किया ना। तो चलो इधर देखें, इसका ट्रेकिया, तो ट्रेकिया कहाँ पे होता है, ये नेक रीजन से एराइज होता है, कहाँ से, नेक से एराइज होता है। इसका लोकेशन कहाँ होगा, नेक टू थोरेस, कहाँ पे होगा, नेक टू थोरेसिक, है ना, थोरेसिक, थोरेसिक कैविटी, है ना, नेक टू थोरेसिक कैविटी, बात किया ना। तो नेक से एराइज होगा और थोरेसिक कैविटी में इंटर करता है। ठीक, ट्रेकिया का साइज लगभग 12 से 13 सेंटीमीटर लंबा होता है, है ना। तो ट्रेकिया कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा, हालो होगा और पाइप लाइक होगा। ठीक, तो ह्यूमन में ट्रेकिया नॉन कोलैप्सिबल होता है। ठीक, तो नॉन कोलैप्सिबल ट्रेकिया किसका अर्थ होगा, क्योंकि इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, कार्टिलेजिनस रिंग, इस यही ट्रेकिया को सपोर्ट करते हैं, है ना, जिस कारण से ट्रेकिया नॉन कोलैप्सिबल रहता है, बना रहता है, वो कोलैप्स नहीं कर पाता है। इस रिंग की संख्या 10 से 18 होती है ट्रेकिया में, कितने, 10 से 18। तो यह कार्टिलेजिनस रिंग ट्रेकिया के अलावा ब्रोंकाई और ब्रोंकियोस में भी पाए जा सकते हैं, बात किया ना। ठीक, तो कॉकरोच का ट्रेकिया जो होता है नॉन कोलैप्सिबल होता है, लेकिन इसमें रिंग नहीं होता है, कार्टिलेजिनस रिंग नहीं होता है, और यह नॉन कोलैप्सिबल होता है। कॉकरोच का ट्रेकिया नॉन कोलैप्सिबल होगा, बट इसमें रिंग नहीं होगा। ठीक, अच्छा, तो रिड्यूस ट्रेकिया किसमें होता है, फ्रॉग में, मतलब वेल डेवलप नहीं होता है। पेयर ट्रेकिया किसमें, एक पेयर ट्रेकिया होता है, पेंगुइन में। तो बेटा ट्रेकिया के वाल में ना कौन सा एपिथेलियल टिश्यू होता है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमिनर सीलिएटेड एपिथेलियम, क्या होगा, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमिनर सीलिएटेड एपिथेलियम। ठीक, तो ट्रेकिया के वाल की बात करें तो इसके वाल में चार लेयर होंगे। सबसे बाहर की तरफ एडवेंटिशिया लेयर होगा, यह फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, किसका, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होगा। एक दूसरा उसके नीचे काट